जब बिहार के खाने की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है लिट्टी चोखा का, और लिट्टी चोखा वैसे आजकल पूरे भारत में ही मिलने लगा है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे बिहार में बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से लिट्टी चोखा कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपने कभी लिट्टी चोखा बनते हुए नहीं देखा है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। अभी हमें बिहार की राजधानी पटना में, और यहाँ पे देखिए लिट्टी चोखा बनाने की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले उपले लेकर आए गए हैं, और वो उपले अब लगाए जा रहे हैं कढ़ाई में। अभी देखिए उपलों में आग लगा दी गई है, और अब देखिए बैंगन लिए जा रहे हैं जिससे कि यहाँ पे चोखा बनेगा। जो बैंगन आया है उसे जो अपने जलते हुए उपले हैं उनके ऊपर रखा जा रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कोई कुकर का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी पतीले वतीले का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बैंगन यहाँ उपलों के ऊपर डायरेक्ट पकेंगे जैसे कि पुराने जमाने में पकाए जाते थे। तो देखिए पूरी कढ़ाई में बैंगन लगाने के बाद अब इसमें टमाटर डालने जा रहे हैं। अगले आधे घंटे तक ये बैंगन और टमाटर यहाँ पर उपलों की आंच में पकते रहेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ से जहाँ से उपलों से टच हो रहे थे बैंगन, वहां से पकने लगे हैं। अब इन्हें बदला जा रहा है कि चारों तरफ से पक जाएं। तो आप देख सकते हैं जो भी बैंगन या टमाटर पकता जा रहा है उसे अपना बाहर निकाला जा रहा है, और ऐसे ही करके कढ़ाई से सारे बैंगन और टमाटर पकने के बाद बाहर निकाल ले जाएंगे इस भगोने के अंदर। उधर अपना बैंगन और टमाटर पकाया गया है, और यहाँ पे देखिए उबले हुए आलू हैं, इन्हें छीला जा रहा है। बैंगन और टमाटर अपना पक्के तैयार हो चुका है, और अब देखिए इसका छिलका उतारा जाएगा, और छिलका उतारने के बाद जो अंदर से निकलेगा उसे धुला जाएगा, और धुलने के बाद वो भी अपने जो आलू है उबले हुए उन्हीं के ऊपर डाल दिया जाएगा। इसी तरीके से जितने भी टमाटर हैं, जितने भी बैंगन हैं, सभी का छिलका उतार लिया जाएगा, इसके अंदर से जो निकलेगा उसे धुला जाएगा, और ये सारा अपना एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा। और अब यहाँ पे इसे घोटा जा रहा है कि बिल्कुल मसल दिया जाएगा। इसके मसलने के बाद दीदी पकाया भी जाता है, ऐसे ही तैयार हो जाता है। कोई 5 मिनट हो चुकी है इसे घोटते घोटते, और आप देखिए सरसों का कच्चा तेल डाला जा रहा है, पकाया नहीं गया है, ढेर सारा तेल डाल लिया है इसके अंदर। और अब तेल डाल के फिर से देखिए मिलाया जा रहा है, और अब इसके अंदर डाला गया है नमक, और अब देखिए इसके अंदर हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डाला जा रहा है। इसको डालने के बाद देखिए फिर से मिलाया जा रहा है। तो प्रोसेस जो है ये चोखा बनाने का लंबा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है चोखा बनाने का वो यही है। और अब देखिए इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्ची और कटा हुआ लहसुन डाला गया है। ये डालने के बाद भी देखिए मिला लिया गया अच्छे से, हो गया दीदी तैयार, कुछ हो रहेगा। तो अब देखिए फाइनली अपना चोखा तैयार हो चुका है, और इधर देखिए बाटी की स्टफिंग के लिए सत्तू तैयार किया जा रहा है। तो सत्तू में डाला है सरसों का तेल, आप देखिए इसमें अजवाइन और काला तिल डाला गया है, और आप देखिए इसमें डाली जा रही है कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन, और लाल मिर्ची नहीं डाली, अब देखिए इसमें काली मिर्च डाली गई है, थोड़ा सा इसमें नमक डाला है, और अब ये भैया अचार डाल रहे हैं इसके अंदर, तो अंदर से खट्टा टेस्ट भी आएगा इसमें। और अब ये सारी चीजें देखिए अच्छे से मिलाई जाएंगी, ये सत्तू गूंदा जाएगा अपना सरसों के तेल में, और ये भरा जाएगा लिट्टी के अंदर। और अगर आपको शुरुआत में तेल कम लगा हो तो बीच बीच में इसमें और भी तेल डाला जाएगा। तो भैया हो गया सत्तू तैयार, अब इससे लिट्टी बनाई जा रही है। तो देखिए आटे की चपटी सी बॉल बनाई गई है, इसके अंदर जो सत्तू तैयार हुआ था वो सत्तू फिल किया जा रहा है, और अब इसकी बॉल बना दी जाएगी, इसे भैया उपलों के ऊपर सेका जाएगा। तो अभी तक देखिए लिट्टी की जो शेप है वो गोल है, यहाँ पे तो हल्का सा चपटा किया जा रहा है, और चपटा करके जो अपने जलते हुए उपले हैं इनके ऊपर डाला जा रहा है, और उपलों की आंच यहाँ पे इतनी तेज है कि देखिए अभी लिट्टी को डले हुए मुश्किल से 1 मिनट ही हुई है, लेकिन जिस तरफ से उपलों से टच हो रही है उस तरफ से हल्की हल्की अपनी पकने लगी है। अगले 15 से 20 मिनट तक ये उपलों की आंच पर लिट्टी इसी तरीके से पकती रहेंगी। लगातार पलटना फिराया जा रहा है इसके बीच में, और लिट्टी उपले सब उथल पुथल करके आपस में मिलाए जा रहे हैं कि हर तरफ से आंच लगेगी, और पूरी बेहतरीन सिक्के यहाँ से अपनी लिट्टी तैयार होगी। अभी देखिए कोई 15 मिनट हो चुकी है लिट्टी को यहाँ पे सिकते सिकते, लिट्टी अपनी तैयार हो चुकी है, अभी इन्हें बाहर निकाला जा रहा है, और अभी आपको इनके ऊपर बहुत सारी राख नजर आ रही होगी। तो सारी लिट्टी देखिए अपनी बोरी के अंदर भर ली गई है, और अब ये बोरी हिलाई जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि लिट्टी के ऊपर जो भी राख लग गई है पकाते टाइम वो सारी राख इसके ऊपर हट जाए, और बिल्कुल साफ सुथरी पकी हुई लिट्टी अपनी तैयार होकर निकले। बोरी में हिलाने के बाद देखिए लिट्टी अपनी बाहर निकाली जा रही है, और अब आप देख सकते हैं जरा सी भी राख नहीं लगी हुई इनके ऊपर। जो लिट्टी तैयार हुई है देखिए वो अब घी के अंदर डाल दी गई है, और घी में बिल्कुल नहलाकर अब इन्हें बाहर निकाला जा रहा है। ये घी वाली जो प्लेट है इसका प्राइस होता है 35 रुपए। तो हमने आपको मेकिंग दिखाई, अब तैयार हो चुकी है, इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। वाकई गाइस पटना में मैंने अब तक कोई 8-9 जगह पे लिट्टी खा ली है, ये अभी तक की मेरी पटना में खाई हुई सबसे स्वादिष्ट लिट्टी है। जो लिट्टी है वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, अंदर से सत्तू की फीलिंग आ रही है, वो भी हल्की खट्टा बने क्योंकि अचार डाला हुआ है उसमें, और जो चोखा बना है उसमें कच्चे सरसों के तेल का टेस्ट आ रहा है जो कि आपके दिमाग में हिट करेगा, और लहसुन का हरी मिर्च का बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया। अगर आप पटना आ रहे हैं और आपको पटना की बेहतरीन लिट्टी खानी है तो आप यहाँ जरूर आइएगा। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है, उसके बिल्कुल बराबर में भैया स्टॉल लगाते हैं। मुझे यह लिट्टी खा के मजा आ गया। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।